नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की कमी क्या है और हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे शरीर में कौन-कौन से रोग हो सकते हैं और हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप अच्छे से समझ सको हीमोग्लोबिन की कमी क्या है और इससे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। हीमोग्लोबिन की कमी क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी एक सामान्य समस्या है जो कुछ निश्चित प्रकार के विटामिन और खनिजों में कमी के परिणाम स्वरूप हो जाती है। हीमोग्लोबिन में कमी के कारण रक्त धारा में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जन्म के दौरान हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। जन्म के दौरान बच्चे में हीमोग्लोबिन 13.5 से 24.0 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। जन्म लेने के बाद एक महीने तक 10.0 से 20.0 ग्राम पर डीएल होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। उम्र 12 से 18 साल तक 12.0 से 16.0 ग्राम पर डीएल होनी चाहिए। उम्र 18 से ज्यादा वाली महिलाओं में 12.1 से 15.1 ग्राम पर डीएल खून होना चाहिए या हीमोग्लोबिन होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पुरुषों की। 12 से 18 साल के पुरुषों में 13.0 से 16.0 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन होना चाहिए। उम्र 18 साल से ज्यादा पुरुषों में 12.1 से 15.1 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं। दोस्तों, थकान और कमजोरी होना, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस फूलना और घबराहट होना हीमोग्लोबिन के ये लक्षण हैं। ये लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर आमतौर पर कम ही पाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को कैसे दूर करें। हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए चुकंदर का सेवन करें। शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ है। चुकंदर में आयरन, फॉलिक एसिड, फाइबर और पोटेशियम ये सभी सही मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं में तेजी से वृद्धि करता है। दोस्तों, अनार का सेवन भी हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है। इसके अलावा अनार भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत लाभकारी होता है। अनार में आयरन व कैल्शियम के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जैसे तत्व होते हैं जिनसे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।